अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ एम के न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है एम के टीवी न्यूज़ पर। तुम्बे हॉस्पिटल न्यू लाइफ डिपार्टमेंट में एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग को बुलाने की वजह कोविड 19 है। अवाम पहले भी कोविड 19 से गुजर चुकी है। हम जानते हैं कोविड 19 कितना भयानक हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मीटिंग में कहा गया कि हर दिन 4 से 5 पेशेंट्स हॉस्पिटल में मुंतकिल हो रहे हैं। एवरेज कोविड ज़्यादातर छोटे बच्चे 6 महीने से लेकर 11 महीने तक कोविड अफेक्टेड है। नाजरीन, अभी भी कोविड 19 यहाँ से कहीं नहीं गया। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, मास्क लगाना होगा और खुद को सैनिटाइज करना होगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रौफ की खबर पेश है। मैं नता फातिमा। हर ताज़ा व अहम खबरों के लिए एमकेटीवी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। ये डॉक्टर इरशाद है, वेरी यंग एंड डायनामिक प्रॉमिसिंग पीडियाट्रिशियन, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का था कि वैसे तो पैंडमिक के ताल्लुक से सभी को मालूम है कि जो है पिछले 7 महीने से सारी दुनिया परेशान है, कई जो है मरीज जो है इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये बच्चों में जो है बहुत कम बच्चों को जो है इससे मुतासिर हो रहे थे। लेकिन हमारे पास पिछले हफ्ते जो है ना 2 ऐसे मासूम, यानी एक 6 महीने का और 11 महीने का जो है ना बच्चा एडमिट हुआ, जो सांस की तकलीफ़ और बुखार जो टिपिकल अलामतें हैं ये कोरोना निमोनिया के, उसके साथ एडमिट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डॉक्टर साहब की मेहनत और जो है सही इलाज की वजह से जो है ना दोनों बच्चे जो है ना इम्प्रूव हुए। एक तो जो है कल शायद डिस्चार्ज हो चुका है। खास बात यही थी बताने की कि ये एज ग्रुप में बहुत कम जो है ये ग्रुप के पेशेंट्स या मरीज़ जो है ना आपको ये निमोनिया से मिलेंगे। लेकिन हमारे पास जो है आके एडमिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेहतयाब हुए हैं, और एक तो डिस्चार्ज हो गया है, दूसरा भी इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप कुछ तफसील बताना चाहेंगे?